आर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूपी में लखीमपुर खीरी की पलिया पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक सुपारी किलर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को हत्या की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह किसी भी व्यक्ति की हत्या चंद रुपए के लिए कर दिया करता था और जिस समय यह सुपारी किलर एक निर्दोष की जान लेने जा रहे थे ठीक उसके पहले पुलिस ने इन्हें घेर लिया और जवाबी फायरिंग के बाद सभी हथियारों को अपने हथियार डालने पड़े। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए एसपी पूनम ने बताया कि निर्मल सिंह नाम का शख्स इन सुपारी किलर के निशाने पर था। यह सुपारी किलर निर्मल की हत्या करने की फिराक में थे लेकिन एक बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया और सुपारी देने वाले साधु सिंह और सत्येन सिंह की बनाई हुई योजनाओं पर पानी फेर दिया। पलिया थाना क्षेत्र में 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए मुठभेड़ के बाद जिसमें एक शूटर है श्याम सुंदर और 2 और इसके साथी हैं, एक सत्येंद्र है एक मनजीत है। इन्होंने धीरा थाना क्षेत्र के रहने वाले निर्मल सिंह की 5 लाख रुपए की सुपारी ली थी उसको मारने के लिए, जिसमें साधु सिंह जो कि निर्मल सिंह के ही गाँव का है वह भी शामिल है और एक अन्य अभियुक्त जाहिद भी इसमें शामिल है। साधु सिंह और जाहिद को गिरफ्तार करने के लिए अभी टीमें लगाई गई, तो 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं जिनसे अभी पूछताछ की जा रही है।